तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जॉग ने साउशन के ऊपर अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल अटैक ब्लैक डेथ का यूज किया था, जिसकी वजह से साउशन मूर्छित होकर जमीन में गिरा पड़ा था। साउशन को इस हालत में देखकर वो जॉग बहुत ही हंसते हुए कह रहा था कि मुझे तो लगा कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये इंसान तो इतनी आसानी से ही निपट गया। जिस पर अब इसकी इतना कह देखे थे, साउशन की बॉडी से एक ब्लैक कलर का स्मोक निकलने लगता है, जिसे देख के शोमो को तो पहले ये लगा कि सारा स्मोक उसके अटैक की वजह से निकल रहा है, क्योंकि उसके अटैक से तो साउशन मर गया और ये उसका वेस्ट एनर्जी है। लेकिन जब यह स्मोक अब साउशन की बॉडी से बड़े अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाता है, तब ये देखकर उजामा बहुत ही शॉक होते हुए कह रहा है कि नहीं, ये कोई मामूली स्मोक नहीं है। और फिर उजामा बहुत ही जल्दबाजी में अपने हेवनली मिरर को अपेयर करते हुए कह रहा है, सिटी ये तो लाइफ और डेथ का टर्न है, मेरे हेवनली मिरर जल्दी से इन सारे ब्लैक पावर्स को एब्जॉर्ब कर लो। तब ये मिरर भी अब एक्टिव होते साउशन ये सारे ब्लैक स्मोक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। देखते देखते साउशन की बॉडी के ब्लैक स्मोक अब खत्म होने लगते हैं, जिस पर वो जगह विषय की सांस लेते हुए कह रहा था कि मैं तो डर ही गया था, लेकिन आखिर इस मामले इंसान के पास लाइफ और डेथ का फॉर्मूला क्यों है, उसे जल्दी से इसके बारे में मास्टर को बताना होगा। तब इसकी इतना कहते जोरदार ब्लास्ट के साथ साउशन की बॉडी से ब्लैक स्मोक दोबारा से रिलीज होता है, जो की पहले की तुलना में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग था। इस बार का ब्लैक स्मोक इतना ज्यादा डार्क था कि इसे ऑब्जर्व करते करते ये हेवनली मिरर भी ब्रेक हो जाता है। तब इस मिरर के ब्रेक होते ही उसकी फट के फ्लावर हो जाती है। यह बॉडी शॉक होते हुए कह रहा था कि इम्पॉसिबल, आखिर कोई भी पावर मेरे हेवनली मिरर को ब्रेक कैसे कर सकता है। मास्टर ने तो कहा था कि उनके अलावा इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं जो इस मिरर को ब्रेक कर सके। और अब इधर साउशन का नाइट टर्न कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी ही देर में साउशन की बॉडी से उसका ब्लैक स्मोक डिसअपीयर हो जाता है और बॉडी टेम्परिंग मंत्र का ऑरा साउशन के चारों ओर फैलने लगता है। तब साउशन को अब दोबारा से खड़ा होता हुआ देखकर ये लड़का कह रहा था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसके जागने से पहले मुझे जल्दी से मास्टर के पास पहुंचना होगा। और इतना कहते ही अपनी तस्वीर बचा के बहुत ही फास्टली यहाँ से भागने लगता है, जिस पर साउशन अब नीचे से कह रहा है कि मुझे हिट करके भागने की कोशिश, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। तब इतना कहते ही साउशन अब अपने सूट बूट में आ जाता है और आते हुए कह रहा है, पगले डरो मत, मैंने तो तुम्हारी किस्मत में मौत ऑलरेडी लिख दिया है। जिस पर अब इतना कहते ही साउशन अपने हेवनली डस्ट फिस्ट के एक फॉर्म को सीधे इसकी ओर भेज देता है। तब वो जो इधर भागते हुए कह रहा है, सीट में कहाँ फंस गया, इसके पास लाइफ होता है टर्न है, इसका मतलब ये भी एक गॉड है। कसम से कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी किसी से ऐसे डर के भागूंगा, पर कोई बात नहीं, एक बार मैं मास्टर पास पहुंच जाऊँ, उसके बाद मास्टर सब कुछ संभाल लेंगे। तब इसके इतना कह रहे थे हेवनली डस्ट फिस्ट इसके बहुत ही करीब आ जाता है, जिसे देखे इससे पहले कुछ रिएक्ट भी कर पाता, ये सड़क के लगते ये सीधे आखिरी जमीन में धस जाता है। तब साउशन अब धीरे धीरे इसके पास आते हुए कह रहा है, क्या तुमने भागने से पहले मुझसे परमिशन ली, या मैंने कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। जिस पर ऊजा अब डर के मारे हकलाते हुए कह रहा है, तुम आखिर तुम हो कौन। तब साउशन अब इसे छाती पे पैर रखे इसे जमीन पटकते हुए कहता है कि तुम इस लाइक नहीं होगी सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड से सवाल पूछ सको, सवाल तो मैं पूछूंगा, उसे आंसर देने के लिए तुम्हारे पास पूरे 3 सेकंड होंगे। जिस पर ऊजा कह रहा है, प्लीज मुझे मत मारना, तुम्हें जो भी जानना है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। तब साउशन पूछते बता तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा था और आखिर तुम्हारे मास्टर कौन है। जिस पर ऊजा कह रहा है, तुम्हें मारने के लिए मुझे लिसन हुआ ने भेजा था, उसने मुझे बताया तो हुनी उनके डिसाइबल जिसने उसे थप्पड़ मारा। और अब इन्हीं सारी बातों को जब साउशन को बताने लगता है, जिस पर अब यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इतने दिनों के बाद हम लुएनफी को देखते हैं जो आराम से पानी में बैठ के सावर ले रहा था। तब यही भी हम लोग को सरप्राइज देते हुए लीसन हुआ आ जाती है, जो बिल्कुल एक कैजुअल फ्रेंड की तरह लुएनफी से बातें करती हुई कहती है कि तुम्हारा भाई उधर फाइट कर रहा है, तुम आराम से यहाँ पे पानी के मजे ले रहे हो। तब लुएनफी कहती है, भाई के लिए शोमो को मारना किसी मच्छर मारने के बराबर है, इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। जिस पर लीसन हुआ कह रही, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, अगर तुम साउशन की हेल्प ही करना चाहते हो तो फिर उसे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते। तब लुएनफी इस बात को टालते हुए कह रही, इन सारी बातों को छोड़ो, भाई ने तुम्हें जो थप्पड़ मारी उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। जिसे सुनते लीसन हुआ बहुत ही भड़कती हुई देखिए, बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए। तब लुएनफी कह रही, ठीक है ठीक है, पीछे मुड़ जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। जिस पर लुएनफी अब पानी से निकल के टावल लपेटते हुए कहता है कि बताओ कि तुम्हारे फैमिली में आखिर चल क्या रहा है, मतलब तुम्हारा बाप लीसिया क्या कर रहा है। तब लीसन हुआ कह रही, वही से उनका रूटीन है, मुझ पे चिल्लाना और बिजनेस को आगे बढ़ाना। जिससे सुने लुएनफी कह रही, इसमें सेट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि हमें जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसने जो भी अन्याय किया है उसका पूरा हिसाब होगा। वेल, अब तुम जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही तुम्हें बुला लूंगा। तब लीसन हुआ इसाने बाद लुएनफी अब सामने की ओर देखते हुए कहता है कि भाई, अब सब कुछ आपके ऊपर है, भले ही मैंने आपको बहुत सी चीजें नहीं बताई हो, मगर हमेशा ही मैंने आपको अपने बेस्ट तरीके से सपोर्ट किया है। अगर आप फेल हुए तो आप सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आपके ऊपर और मेरे ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं उन सबको भी निराश कर देंगे। गाइस, लुएनफी और लीसन हुआ की बातचीत से आपको ये पता चल चुका होगा कि यहाँ पे सर की खिचड़ी पक रही है, जिससे साउशन बिल्कुल ही अनजान है। लेकिन हम लोग इस बात भी डिनाई नहीं कर सकते कि लुएनफी की शायद कितना ही कमीना क्यों ना दिखाया जाए, ये एंड मौके पे कुछ ऐसा रिवील कर देता है जिससे ये फिर से
दे मान उसे पोजिशन को अचीव कर लेता है। तो अब इस बार इसने क्या खिचड़ी पकाई है ये हमें आगे पता चलेगा। जिस पर अब वापिस हम इन दोनों को देखते हैं। साबर गुजा साशन से कहता है कि मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, अब प्लीज मुझ पर दया दिखाओ और मुझे जाने दो। तब साशन बिना कुछ कहे अपनी उंगली से एक छोटा सा टैग इसकी ओर कर देता है जो इसके बॉडी में मौजूद सेंसरी स्टोन को ब्रेक कर देता है। जिस पर गुजा खून की उल्टियां करते हुए कहता है कि तुमने मेरे स्टोन को ब्रेक कर दिया, मेरी शक्तियां, मेरी कल्टीवेशन, सारी चीजें खत्म हो गई। तब साशन कहता है कि अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।